अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेटा, पिछले लेक्चर में हमने रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी का एक पहला केस स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि कंडक्शन का प्रोसेस है और मैटर अपनी जगह से मूव नहीं करता, मैटर एनर्जी ट्रांसफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग एटम एंड विद द हेल्प ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन दो मैथड्स, इन दो क्राइटेरियाज को यूज़ करते हुए हम मैटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होते हुए बेटा देखते हैं। तो आज हम सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि है कन्वेक्शन। मैं आपको एक और चीज़ का इजाफा कर दूं आपके नॉलेज में, कि जो कंडक्शन का प्रोसेस था उसमें विदाउट द मूवमेंट ऑफ मैटर था। दैट्स मीन कि अगर वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा तो एटम सिर्फ वाइब्रेट करके एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, मैटर खुद मूव नहीं करेगा। अगरचे आपको बेटा लिक्विड और गैसेज में कन्वेक्शन और रेडिएशन भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक हो गया, खासतौर पर गैसेस में रेडिएशन देखने को मिलती हैं, लेकिन कंडक्शन का प्रोसेस कहीं ना कहीं छोटा मोटा इन्वॉल्व हो रहा होता है लिक्विड और गैसेस में भी, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। कन्वेक्शन का प्रोसेस है और कन्वेक्शन का प्रोसेस में आप देखेंगे कि फ्लूइड खुद एक जगह से मूव करता है, दूसरी जगह तक पहुँचता है, जो रीजन लो टेम्परेचर या लो पोटेंशियल रीजन होता है। इज इट क्लियर? तो कहानी स्टार्ट करते हैं बेटा डेफिनेशन में, डेफिनेशन से। कन्वेक्शन इज द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू अ फ्लूइड फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू द प्लेसेस ऑफ लोअर टेम्परेचर बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ। वहां पे क्या था? विदाउट द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, विदाउट द मूवमेंट ऑफ मैटर इटसेल्फ। यहां पे क्या है? बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ। इसका मतलब है कन्वेक्शन सिर्फ फ्लूइड में होगा, सॉलिड्स में नहीं हो सकता, सॉलिड की मदद से हो सकता है, सॉलिड में हो नहीं सकता। सॉलिड में कौन सा प्रोसेस होगा? कंडक्शन होगा। इज इट क्लियर? और सॉलिड रेडिएशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। सो बेटा, अभी हम रेडिएशन की तरफ नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन को डील करते हैं, कि जिसमें आप देख रहे हो कि जो थर्मल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है कहाँ से? हायर टेम्परेचर रीजन टू द प्लेसेस ऑफ लोअर टेम्परेचर रीजन। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से, इस लाइन जो कि मैंने हाईलाइट की हुई है, बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ। क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स? मतलब कुछ इस तरह निकला कि जब भी आप हीट करते हैं वाटर को बेटा, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जिस जगह हीट मिलती है वो एरिया लेस डेंस हो जाता है, वहाँ के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, थोड़े से स्प्रेड आउट होते हैं। उस लो डेंसिटी की वजह से या लो डेंस एरिया की वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया, ये कहानी अब अभी हम दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हम टेम्परेचर देते हो तो वो एरिया लेस डेंस हो जाता है, वहाँ के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं। अब चूँकि लेस डेंस लाइटर इन वेट है, ऐसे ज्यूम कर लें, और उसके ऊपर जो लेयर है वो कोल्ड लेयर है, और कोल्ड लेयर हाई डेंस है, दैट्स मीन वहाँ का टेम्परेचर हाई है, वहाँ का टेम्परेचर लो है। इज इट क्लियर? तो एक रीजन वो आ गया जहाँ पे टेम्परेचर लो है, एक रीजन वो आ गया बेटा जहाँ पे टेम्परेचर हाई है। एक जगह हाई पोटेंशियल रीजन बन गई, एक जगह लो पोटेंशियल रीजन बन गई। इज इट क्लियर? एक जगह हाई टेम्परेचर रीजन, एक जगह लो टेम्परेचर रीजन। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्लूइड के, वो रश करते हैं टूवर्ड्स द रीजन ऑफ लो डेंस, जिसकी वजह से जो लो डेंस मॉलिक्यूल्स हैं या लो डेंस वाटर की लेयर है वो ऊपर उठ जाती है, और जो कोल्ड डेंस एयर लेयर है वाटर की या गैस की, कुछ भी बेटा आप समझ लें, वो नीचे आ जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट को सॉल्यूशन डाला है बेटा वाटर के अंदर, जैसे हीट अप किया है ये पोटेशियम परमैंगनेट, चूँकि गर्म होकर लो डेंस हुआ है, तो ये इस तरह की शेप बन जाती है, जिसके अंदर इस राउंड बॉटम फ्लास्क बीकर के अंदर। ठीक हो गया, तो इसको अभी हमें बेटा एक दो दफ़ा और डिस्कस करते हैं कि कन्वेक्शन जो प्रोसेस है उसमें मूवमेंट ऑफ मीडियम है, जबकि विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मीडियम है, तो ये चीज़ मेन डिफरेंस है। व्हेन फ्लूइड्स आर हीटेड होता क्या? देयर टेम्परेचर इंक्रीजेस, हमें मालूम हो गया, दे एक्सपेंड, वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब भी मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं बेटा, एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। अगर वॉल्यूम बेटा ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। हॉट फ्लूइड राइज, हॉट फ्लूइड आर रिप्लेस्ड बाय द कोल्ड डेंसर फ्लूइड्स। तो जो जगह लो डेंस होती है वो वहाँ की वैकेंट जगह को लेने,
कोल्ड मॉलिक्यूल्स ऊपर से रश करते हैं टूवर्ड्स द एरिया विच इज़ बेसिकली द लो पोटेंशियल रीजन, और ये साइकिल फिर कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो कन्वेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए बेटा दो मैथड्स हैं। नंबर वन इज़ हीट फ्रॉम बॉटम, कि आप नीचे कोई बंसन बर्नर रख दें और उसको हीट करना स्टार्ट कर दें। जैसे ये नीचे रखा हुआ है, नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बंसन बर्नर पड़ा है जो कि हीट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड है, ये जो फ्लूइड है बेटा, ये राइज करता है और जो कोल्ड डेंस है वो इसकी जगह लेने नीचे आ जाता है। कौन सी लेयर आ जाती है जिसका टेम्परेचर लो है? कोल्ड एयर लेयर नीचे आ जाती है और हाई जो लेयर है, हाई टेम्परेचर लेयर, वो ऊपर चली जाती है। ठीक हो गया, एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि आपकी जहन में इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाए बेटा। जिस एरिया को आप हीट अप करते हैं बेटा, वहाँ से मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते हैं और इनकी जगह लेने कौन सी लेयर नीचे आती है जिसका टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कम होता है। सो इस तरह के ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं इनको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा ये कन्वेक्शन करंट आपको बेटा विजिबल होगा। तो हो क्या रहा है बेटा, हमने तो इस एंड को हीट किया था ना, ये इस एंड को हीट किया था, यहाँ से हीट मूव करती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड तक पहुँचा देती है। थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि आपको ये सारा पानी का एरिया गर्म नज़र आता है। सो हीट कैसे ट्रांसफ़र हुई बेटा, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। हमने तो उस सिर्फ लिमिटेड एरिया को हीट किया, वहाँ से लिक्विड खुद राइज करेगा और डिफरेंट पार्ट्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करके जगह जगह वाटर या फ्लूइड को गर्म कर लेगा। इज इट क्लियर? दूसरा क्राइटेरिया ये है कूल फ्रॉम बॉटम, सॉरी कूल फ्रॉम टॉप, कि आप किसी भी रूम के अंदर हो और आप बेटा यहाँ पे इस एरिया से ये जो एरिया मैंने बेटा हाईलाइट कर दिया, यहाँ से आप कूल एयर को इंसर्ट करना शुरू कर दो। जैसे हुमन एसी वगैरह में होता है, तो जब कूल एयर यहाँ पे आप अंदर दाखिल करोगे इस रूम में, तो जो अंदर का टेम्परेचर है बेटा वो इमेजिन कर लें कितना है। वो अंदर का टेम्परेचर हम लेट्स सपोज रिज्यूम कर लेते हैं बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जो एसी से एयर इंसर्ट करवा रहे हो वो कितने, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जिसका टेम्परेचर कम वो हाई डेंस, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वो लो डेंस बेटा। तो ये 15 वाली जो लेयर है ये नीचे आएगी और 20 वाली लेयर ऊपर जाएगी, 20 वाली फिर ठंडी होकर ये नीचे आएगी, ये ऊपर अगेन चली जाएगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा जब तक कि हमें पूरे के पूरे रूम में सेम टेम्परेचर ना मिल जाए। इज इट क्लियर बेटा? सो आप एक केस स्टडी हम कर लेते हैं इसके साथ, कि जब आप एक आइस क्यूब को, दिस इज़ बेसिकली आइस क्यूब है जो कि फ्लोट कर रहा है, किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, इस वाटर के ऊपर, आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हो बेटा यहाँ से नीचे से। ठीक है, अब जैसे हीट करते हो फ्रॉम बॉटम से, तो उससे क्या होता है, आइस जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो ये तो देखने में सिंपल सा फिनोमेना लगता है, लेकिन बेटा इसके अंदर भी कन्वेक्शन करंट है। कैसे है आइए समझते हैं हम, कि जब हम इस पोर्शन को हीट करते हैं तो ये रीजन बन जाता है हॉट रीजन, ऊपर वाला रीजन बेटा कौन सा होता है, कोल्ड रीजन होता है। इज इट क्लियर? अब जो रीजन हॉट है बेटा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और जब डेंसिटी कम तो ये एरिया क्या हो गया बेटा, लो डेंस हो गया, और जो ऊपर वाला एरिया है इसका टेम्परेचर लो है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और ये हाई डेंस है बेटा। तो ऐसे समझ लो कि नीचे वो लेयर है जो कि हल्की है, ऊपर वो लेयर है जो कि भारी है बेटा। तो फ़ौरन से इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज करेगा, लो डेंसिटी होगी, और इस लो प्रेशर रीजन की जगह लेने के लिए जो कोल्ड लेयर है वो रश करेगी, इसकी तरफ आएगी, और यहाँ से गर्म जो पानी की जो लेयर है वो मॉलिक्यूल्स को साथ लेके ऊपर की तरफ जाएगी। अब जब आइस के पास हॉट लेयर पहुँचेगी तो आइस फौरन क्या होना शुरू कर देगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी बेटा। ठीक हो गया? तो ये मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा एक फिनोमेना था, हम इस फिनोमेना को बार बार डिस्कस करेंगे बेटा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वीडियो रिवाइंड करके एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा, आई होप सो कि आपको समझ आ जाए। लेकिन अभी बहरहाल इस केस में हम आगे चलते हैं और अपने रिजल्ट्स को सामने ले आते हैं। कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश होता है, कैसे स्टैब्लिश होता है, हीट रीचेस फ्रॉम बर्नर टू द आई बाय कन्वेक्शन, हॉट रीजन लो डेंस, कोल्ड रीजन हाई डेंस, लो डेंस विल राइज मूव अपवर्ड एंड हाई डेंस विल सिंक एंड मूव, बेटा कहाँ पे मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। यही हॉट लेयर जब इस आइस को मिलेगी तो ये जल्दी जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी।
अब बेटा हमने आइस को इनक्लोज कर लिया है, ये एक मेटल मेटालिक गॉज लगा लिया, सॉरी मेटालिक गॉज कह रहा हूँ, मेटालिक गेज लगा लिया, सॉरी गेज ही कहते हैं, मेटालिक गेज मेटालिक गॉज कहते हैं इस किस्म की, कुछ इसकी प्रोनाउंसिएशन है, देख लीजिएगा बेटा। यहाँ पे क्या रखा है हमने, आइस रखा है, दिस इज आइस। अब हमने क्या करना शुरू किया बेटा, इसको हीट करना स्टार्ट किया। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हो गया क्या बेटा, ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाला रीजन हॉट हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा, डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, डेंसिटी कम हो जाएगी, ये एरिया लो डेंस हो गया। और नीचे वाला कौन सा एरिया होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम, डेंसिटी ज़्यादा, एंड द रीजन इज नाउ हाई डेंस। तो अभी तो हमने बोला कि जो लो डेंस है वो राइज करता है, यहाँ तो पहले ही राइज कर चुका है बेटा, ये एरिया तो पहले ही हॉट है, तो क्या ये मज़ीद ऊपर जाएगा, नहीं है, कहीं ऊपर नहीं जाएगा, ये लेयर ऊपर ही रहेगी। तो इसका मतलब है कि अब नीचे आइस तक हॉट एयर, हॉट लेयर सॉरी, पहुंचेगी ही नहीं, और जो आइस है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर बेटा, ठीक हो गया। तो ये अगेन मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं रिजल्ट्स आपको लिखवा सकूँ, ये रिजल्ट्स डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। इज इट क्लियर बेटा जी। तो फर्स्ट पॉइंट, नो कन्वेक्शन करंट एस्टैब्लिश, हीट डजंट रीचेस फ्रॉम द बर्न्स एंड बर्नर टू कन्वेक्शन, ठीक है, बाय कन्वेक्शन टू आइस। लो डेंस विल रिमेन एट द टॉप, हाई डेंस विल रिमेन एट द बॉटम, हैंस नो मूवमेंट विल बी ऑब्जर्व। और मजे की बात कि लिक्विड में इस टाइम कंडक्शन भी बड़े ही स्लोली हो रहा है, क्यों, क्योंकि लिक्विड जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लिहाजा इसमें जो कंडक्शन का फिनोमेना होता है वो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है, जिसकी वजह से जो आइस है वो मेल्ट बड़ी स्लोली होती है। इसके बाद बेटा हम अक्सर देखते हैं कि जब कराची वगैरह की साइड पे, जहाँ पे साहिल पे, बीचेस वगैरह पे दिन को हवाएं चलती हैं, समंदर से हवाएं आती हैं और बीचेस की तरफ आती हैं, लेकिन अगर यही फिनोमेना बेटा रात का हो तो हवाएं ओपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं और लैंड से टूवर्ड्स द सी चलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर बेटा दिन का टाइम हो तो हम इसको कहते हैं सी ब्रीज, और अगर रात का टाइम हो तो हम इसको कहते हैं लैंड ब्रीज कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा कन्वेक्शन, कौन सा रेडिएशन का फिनोमेना टेक प्लेस हो रहा है, और ऑब्वियसली ये फिनोमेना कन्वेक्शन का है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, इमेजिन कर ले बेटा ये क्या है, ये लैंड है, ठीक हो गया, और ये आपके पास वाटर है। तो मुझे बताइए किसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, लैंड की बेटा कितनी होती है 800, इसकी कितनी होती है 4200 जाउल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जाउल पर किलोग्राम डिग्री सेंट। इसका मतलब है लैंड को हीट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कम हीट दोगे तो वो तभी हीट अप हो जाएगी, और जो कूल एयर है सॉरी और जो वाटर है बेटा सॉरी वाटर है उसको 4200 जाउल एनर्जी चाहिए तब जाके टेम्परेचर राइज करेगा। सो ये तो कहानी थोड़ी सी ओपोजिट होती जा रही है बेटा। इसलिए जब सूरज यहाँ पे आता है, दिन का आगाज होता है, तो इस सन की रेडिएशन की वजह से ये जो लैंड है ये जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो अगर ये गर्म बेटा जल्दी होगी तो इसके ऊपर जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जिसका टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा डेंसिटी कम होगी, और ये एयर लेस डेंस बन के क्या कर जाएगी बेटा, राइज कर जाएगी, और ये जगह एक्सपेंशन चुके होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ये जगह एम्प्टी रह जाएगी। दैट्स मीन के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि लो पोटेंशियल रीजन रह जाएगा या लो प्रेशर रीजन रह जाएगा, आप कोई कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ दिस रीजन इज लो प्रेशर रीजन, इज इट क्लियर। एज कम्पेयर टू द लैंड, वाटर को हीट करने में बेटा अच्छा खासा टाइम लगता है। तो अब ये जो ऊपर वाली लेयर है, वाटर की ऊपर लेयर, ये तो कूल एयर है एज कम्पेयर टू दिस लेयर अबव द लैंड, सो ये ज़्यादा डेंस है और ये इस टाइम वाटर की सरफेस के पास पास है। तो जैसे ही ये एक रीजन हाई प्रेशर का होता है बेटा और दूसरा रीजन लो प्रेशर का होता है, जो एयर है वो रश करती है टूवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन वार्म एयर की स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, इज इट क्लियर। और जब ऐसा होता है बेटा तो अब हम कहानी ख़त्म कर लेते हैं बात की जो हमने स्टार्ट की है, कि जब ये अब ये कूल एयर इस तरफ आती है
ये दोबारा वार्म होती है, दोबारा ऊपर राइज करती है, ये दोबारा ठंडी होकर बेटा दोबारा नीचे आती है, और ये एक कंप्लीट सर्कल चलता रहता है। कूल एयर वार्म एयर की जगह आएगी, वो गर्म हो जाएगी, वार्म एयर कूल एयर की जगह जाएगी, वहाँ पे जाके वो ठंडी हो जाएगी, और ये एक प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और बीचेस वगैरह पे बेटा दिन के टाइम जो हवाएं चल रही होती हैं उनको हम सी ब्रीज कहते हैं, दैट्स मीन समंदर से हवाएं आ रही होती हैं टूवर्ड्स द लैंड। सो एज द सन राइजेज ड्यू टू द लो स्पेसिफिक हीट द लैंड वार्म्स फास्टर देन द वाटर। ये बातें एज इट इज लिख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। एयर अबव द लैंड ऑल्सो वार्म्स अप, वार्म एयर बिगिन लेस डेंस एक्सपैंड एंड द राइजेज लीविंग एन एरिया ऑफ द लो प्रेशर। इज दैट क्लियर? सारी बातें वही हैं जो हम कर चुके हैं। कूल एयर अबव द वाटर इज हाई डेंस क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर रीजन। एज अ रिजल्ट कन्वेक्शन करंट अकर, कूल एयर विल मूव टूवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन, दिस कूल एयर विल अगेन वार्म अप एंड द साइकिल कंटिन्यूज। जी बेटा, रात हो चुकी है और जिस मटीरियल की जिस मटीरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है बेटा, वो उतनी देर से गर्म भी होता है, उतनी देर से ठंडा भी होता है। इज इट क्लियर? और जिसकी स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी कम होती है, वो उतनी जल्दी गर्म होता है और उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसका मतलब है कि जो लैंड है बेटा, ये जल्दी ठंडी होगी, और जो वाटर है ये देर से ठंडा होगा। इज इट क्लियर? तो वार्म एयर कहाँ बनेगी? वाटर के ऊपर। कब? रात के टाइम। तो जब ये रात के टाइम एरिया होगा लो डेंस का या लो प्रेशर रीजन होगा, और लैंड के ऊपर कूल एयर की वजह से बेटा ये रीजन कौन सा हो जाएगा? हाई प्रेशर रीजन। तो हवाएं किस तरफ चलेंगे बेटा? ये कूल एयर वार्म एयर की जगह लेने टूवर्ड्स द लो पोटेंशियल रश करना स्टार्ट करेगी, और आपको एक कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश होता हुआ नज़र आएगा, जिसमें जो हवाएं हैं वो बेटा एक कंटिन्यूसली सर्कल में चलेंगी कुछ इस तरह से, कि रात के टाइम अब जो हवाएं चलेंगी साहिल से, बीचेस से टूवर्ड्स द सी, उसको हम बेटा कहेंगे लैंड ब्रीज कहेंगे। इज इट क्लियर? सो अब हम ये वर्डिंग पढ़ लेते हैं। द लैंड कूल्स मोर क्विकली देन द वाटर एज द सन सेट, एयर अबव द लैंड ऑल्सो कूल्स डाउन, कूल एयर अबव द लैंड इज हाई डेंस क्रिएटिंग एट द रीजन ऑफ द। सो बेटा ये सारी बातें पढ़ लीजिएगा, आई होप सो कि ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। द लास्ट कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू शेयर इज हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन फ्रॉम सॉलिड्स एज वेल। ठीक हो गया? ज़रूरी नहीं कि सॉलिड होगा तो कन्वेक्शन होगा नहीं, सॉलिड होगा तो कन्वेक्शन हो सकता है, हाँ सॉलिड के अंदर नहीं हो सकता, सॉलिड की वजह से हो सकता है। क्या मतलब निकला बेटा? इमेजिन कर लो, ये मेरे पास कोई ऐसा स्टोन है या कोई भी रॉक है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये हर टाइम कौन सी एयर बाहर प्रोड्यूस कर रही है? ये वार्म एयर प्रोड्यूस कर रही है। वार्म एयर लो डेंस होती है, ये राइज करेगी बेटा, इसकी जगह लेने साइडों से क्या चीज़ें आएंगी? कोल्ड एयर लेने, कोल्ड एयर इसकी स्पेस लेने साइडों से आएंगी, तो ये अगेन एक कन्वेक्शन करंट बन जाएगा। सो कन्वेक्शन करंट इस्टैब्लिश इन द सराउंडिंग ऑफ हीटेड सॉलिड। तो मेरे ख्याल से ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडिएशन को डिस्कस करते हैं और फिर हम लेक्चर एंड कर देंगे इंशाल्लाह। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।